पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे से पहले ही बीजेपी नेता पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें कि तेलंगाना बीजेपी चीफ बंदी संजय कुमार को पुलिस ने आधी रात में ही हिरासत में ले लिया। जो जानकारी सामने आई उसकी माने तो पुलिस देर रात 12 बजे करीमनगर में बीजेपी नेता के आवास पर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उन्हें नलगोंडा जिले के बोमल्ला रामाराम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तेलंगाना बीजेपी चीफ के हिरासत में लिए जाने के बाद से ही प्रदेश में तनाव की स्थिति बनी है। बंदी पर हुई कार्रवाई का बीजेपी कार्यकर्ता जमकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन बंदी के हिरासत में जाने के बाद से ही स्थिति गर्माई हुई है। वहीं मामले में गौर करने वाली बात यह है कि तेलंगाना बीजेपी चीफ को ऐसे समय में हिरासत में लिया गया जब 3 दिन बाद यानी 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जिसकी वजह से बीजेपी बंदी पर हुई कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर रही है। उधर बंदी के हिरासत में लिए जाने के दौरान काफी बवाल देखने को मिला। खबरों की माने तो पुलिस के बंदी के घर पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ता और बंदी संजय के समर्थक उनके घर पर जुट गए और पुलिस को रोकने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से जमकर हंगामा हुआ। हालांकि बावजूद इसके पुलिस बंदी को वैन में बिठाकर जेल ले गई। मामले में बंदी पर हुई कार्रवाई का विरोध करते हुए बीजेपी नेताओं ने आंदोलन की धमकी दी और फिर पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। मामले में बीजेपी के प्रदेश महासचिव प्रेमेंद्र रेड्डी का कहना था कि एक सांसद के खिलाफ आधी रात को इस कार्रवाई की क्या जरूरत थी, अपराध क्या है और क्या केस है, वे हमें कुछ भी नहीं बता रहे। ये केवल इसलिए कि वो पेपर लीक मामले पर लगातार राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये केवल तेलंगाना में पीएम मोदी के कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने की कोशिश है। आखिर बंदी संजय कहां चले जाते, उन्हें सुबह कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी। प्रेमेंद्र रेड्डी के अलावा मामले में खुद बंदी संजय को अभी बयान सामने आया। कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बंदी ने कई वीडियो शेयर किए और लिखा, बीआरएस में डर का माहौल है। पहले उन्होंने मुझे मीडिया को इंटरव्यू देने से रोका और अब रात में मुझे गिरफ्तार किया है। मेरी गलती सिर्फ इतनी रही कि मैं बीआरएस सरकार के गलत कामों पर उनसे सवाल पूछने लगा। भले ही मैं जेल में रहूं, पर आप लोग बीआरएस से सवाल पूछना बंद मत करना। गौरतलब है कि पीएम मोदी 8 अप्रैल को तेलंगाना पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां सिकंदराबाद से तिरुपति के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी नेता पर हुई कार्रवाई की वजह से सियासत गर्मा गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।